अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी सुबह हो गई है, हमारी सुबह हो गई है, इनकी सुबह नहीं हुई। इनको मैं उठाती हूँ अभी, और 6:30 का टाइम हो गया है, और मैंने ब्रेकफास्ट भी बना दिया है। तो इन्हें उठाते हैं, उठ जाए, लाइट जला लेते हैं, उठ जाए, उठ जाए, Thousand years later. उठ जाए, आपको लाइट की जलाई है। क्या उठाने के लिए। टाइम हुआ? 7 बज गए। मेरा क्या मतलब कर रहे बजने हैं वाले हैं, उठ जाए आप। यार, क्या मजाक कर रही हो यार साहब? मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। 7 बजे उठा रही हो? बजने वाले हैं 7, अभी बजे नहीं है, उठ जाए। आपको पता है आज मम्मा आ रही हैं। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। सच में? यस। मजाक ना करो मेरे से। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? और आपको पता है आज आपकी बर्थडे भी है। क्या मेरी तरफ ना देखें, कैमरे में देखें, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। ये मजाक कर रही हो? नहीं सीरियसली, मेरी बात। और उन्होंने इधर सेलिब्रेट भी करनी है, उन्होंने घर रात को सेलिब्रेट कर ली है, अब आज उन्होंने इधर भी सेलिब्रेट करनी है। कितने बजे आना उन्होंने? दोपहर तक आ जाएंगे। और सेलिब्रेट आज करनी है? हाँ जी, कल। और कल भाई मैं भी से आके थक जाता हूँ, तुम्हें पता ही। तो कल भाई भी भाभी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे। वो दो गिफ्ट, दो दो खर्चे, बड़ा खर्चा। और एंजॉय मुफ्त का ये। चलो जल्दी से मुझे तैयार होने, तो मैं जा रहा हूँ। मेरा मोबाइल की तरह छोटा। चलो ठीक है यार, 55 मिनट हो गए हैं यार। तो आपसे बातें करते करते हुए। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे दूध पकड़ा दें। थैंक यू। अच्छा चलो, और मैं दूध एंजॉय करती हूँ और ये रेडी होते हैं। नींद एंजॉय करनी है बस, और सारा करना है मैंने काम काम बस। जी मैं उठ गई हूँ और खदीजा भी उठ गई है, और ये रोइयां कह रही है। आज इसकी तबीयत बेहतर है लेकिन इसको खांसी आ रही है। पानी है और रोई है अभी। दादू को कह रही है डेंगू, आप मेरे सदके है। तो अब हम करेंगे नाश्ता, तो चलते हैं नाश्ते की तरफ। चलो खदीजा नाश्ता कर लें। जी नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि चूज़ों को रोटी डालनी है। खरगोश के लिए पट्टे लाई हूँ, और उनके लिए पानी भी गर्म करके लाई हूँ। और अब इन्हें खोलते हैं, तो इसको पीछे करते हैं। ब्लंडर्स होने शुरू हो गए हैं। खुदे की जो थी वो चाबी नहीं है, रात को वो इन्हें रोटी वगैरह बाजरा वगैरह डाल के गए हैं, शायद वो उनके साथ ही चले गई है। और अब मैं क्या करूं, देखते हैं उन्हें रोटी कैसे दी जाए। रोटी तो उनको देनी है, वो सुबह के भूखे हैं। तो अब करते हैं कुछ। इसको तो पहले मैं पीछे करूं, लेकिन इनमें तो कोई भी चाबी नहीं थी लगी, तो ना चाबी मिल रही थी। तो फिर मैंने कहा कि ये साइड से कवर उठाते हैं और जो है ना इनको रोटी डालते हैं। फिर हमने ऐसे ही किया, नीचे बैठ के साइड से दरवाजे से ये जो प्लास्टिक कवर लगा हुआ है इसको उठा के इन्हें रोटी डाली। पानी नहीं मैं पिला सकी क्योंकि पानी जो था वो सारा गिर जाना था, अंदर ही नीचे जाना। रोटी मैंने ऐसे बैठ के साइड से इन्हें डाल के खिला दी सारी। 10 से 15 मिनट लगे लेकिन उन सब ने खा ली क्योंकि वो सब भूखे। टाइम हो गया दोपहर का, चूज़ों को मैं डाल रही थी नीचे आके, थोड़ा बहुत काम शाम भी कर लिया, और फिर बारी आ गई है सफाई की। तो हीटर मैंने चला लिया, कमरा बहुत ठंडा था, इसलिए अब मैं करूँगी सफाई। सबसे पहले मैं अपना रूम सेट करूँगी, चीज़ें उठाऊँगी, ये बुक्स उठाऊँगी अपनी, और ये बाकी सारी चीज़ें, ये इनका यूनिफॉर्म पड़ा है ये भी उठाऊँगी। और
झाड़ू वगैरह साफ़ सफाई हो गई है कमरे के नीचे से, अब बस मैंने यहाँ से साफ़ सफाई करनी है और वो मेरा टैप पड़ा हुआ है उसके भी बेचारे की खबर लेनी है कि कमरा साफ हो गया है और मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। अब मैं बनाऊँगी अपने बाल, तो अजाने शुरू हो गए तो आपको मिलते हैं अजानों के बाद। जी फाइनली मम्मा आ गई हैं, और मम्मा आ गई हैं इसका सबूत ये है कि तैयब आ गया। हाय करो तैयब। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो जी अब अम्मी ने कुछ खिलाने पिलाने की तैयारी करते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खाना तैयार हो गया और हम जा रहे हैं बाजार। बाजार इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने लेना है गिफ्ट, और ये भी ड्यूटी से आ गई है से निकलते हुए। तो मैंने कहा मेरी शॉप पे एक ताला लगा हुआ है तो आप दूसरा ताला भी लगा देना। तो हमने कहा ठीक है हम आपकी शॉप पे ताला लगा देंगे, तो उन्होंने ताला दे दिया। तो तैयब ने कहा लो मैं लगाता हूँ, तो तैयब से लगा नहीं क्योंकि तैयब ने कभी ताला ही नहीं लगाया हुआ किसी शॉप को। तो अब ये आए कहते हैं लो मैं लगा देता हूँ, तो ये शॉप को ताला लगाएंगे और साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। फिर हमने अब आगे बाजार जाना था, तो अब हम जाएंगे बाजार। तो अब तैयब कह रहा था कि बाइक मैंने ड्राइव करनी है, भैया आप ना करें, आपने मफलर भी नहीं लिया। मैंने मफलर लिया हुआ है, तो अब बाइक जो था वो तैयब ने ड्राइव की और अब हम जाएंगे बाजार। तो जी आए हैं शॉप पे शॉपिंग करने, जो कि बाजार बंद हो रहा है जुम्मे वाले दिन। तो जी बाजार ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं, बाज़ार तकरीबन बंद हो गया। जो चंद दुकानें खुली हैं वहाँ से हम देख रहे हैं सामान। अब ये देख लो कुछ पसंद आ जाए यहाँ से हमें। तो बड़ी मुश्किलों के बाद हमें ये पसंद आया। तो तैयब को मैंने दिखाए थे, तैयब कह रहा ठीक है अच्छी है। हाँ जी अब बताओ खा लिया है और सब बेसब्रे हुए हैं कि जल्दी से केक काटा जाए और मैं आपको केक दिखा दूं आपको भी, और केक की अनबॉक्सिंग होने वाली है। तो चलो जी जल्दी से खोलो केक। खुल गया सिम सिम। इतनी खुशी, इतनी खुशी। कैंडल लग गई है और सारे हो गया। सर ने अपना रोड़ा पाना शुरू कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह हू चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। कैंडल जल गई है जी। दिल की दुआएं वादी अल्लाह तुझको सुखी संसार मिले मैं तेरी इतना। उसके बाद जी अब केक कटिंग हो रही है। केक कटिंग करने के बाद मामा आप ही को खिलाएंगे केक सबसे पहले, और फिर सब एक दूसरे को केक खिला के सेलिब्रेट करेंगे। हमारे आलू खाते खाते केक मुछें आ गई हैं। जी गिफ्ट मिल गए हैं, सारा कुछ मिल गया है। अब इस व्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड। और मामा बोतल पी रही हैं ठंडी बोतल। अब ये बीमार हुई ना पापा जी, तो हमें नहीं आपने गिला करना, ये अपनी मर्जी से पी रही हैं, हमने नहीं इन्हें कहा बोतल पिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। और अंकल आपने भी आंटी ने बोतल पी है, अगर ये बीमार हुई ना इनका साह खराब हुआ आपने हमें कुछ नहीं कहना, इन्होंने अपनी मर्जी से पिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा आज की पार्टी इन्होंने दी है, ब्लेम नहीं करना कोई भी बीमार हुआ कि इन्होंने ठंडी बोतल पिलाई है। कल की पार्टी ये देंगे, कल की पार्टी और कल अगले सालगिरह इनकी है जो के ये दे रहे हैं सबको पार्टी। हाँ जी कल खाना भी इनकी तरफ और केक भी इनकी तरफ। अच्छा और इस बात पे भाई पड़ गए सोची परेशान हो गए, और खतीजा कह रही है पापा कुछ करो, और जिनकी सालगिरह वो पता कह रही है शेख साहब कुछ करो। हाँ शेख कुछ कर, कुछ कर, शेख कुछ कर। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।